आज सुबह सेंट्रल पार्क के पास सब्जी मंडी में कुछ सब्जी वालों ने मिलकर सफाई कर्मचारी की पिटाई कर दी। इसके बाद सफाई कर्मचारियों की ग्रुप ने एकत्रित होकर पुलिस स्टेशन में जाकर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कार्रवाई ना होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आइए सुनते हैं सफाई कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर। आज सफाई कर्मचारियों को सुबह मारा गया है, कितने लोगों ने उनको मारा है? 5 लोगों ने मारा, और यशवंत हाइट्स जो है इधर उसके नीचे अन्य अधिकृत भाजी वाले सब बैठते, वो इतना कचरा करते हैं, बारिश के टाइम में पूरा सेंटर पार्क भर जाता है तो नागरिकों को भी उसका तकलीफ होता है। महानगर पालिका के पास बारंबार तकरार करके भी वो समझते नहीं है कुछ नहीं। और सुबह हम लोग का एक सफाई कर्मचारी साफ करने गया तो उसको 5 जन मिलके 1 जन को मारा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुक्त साहब ने उनके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। बार बार हम लोग तकरार कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, सब मिलके आए अभी सब जन है। अभी जेंट्स थे इसके लिए ठीक था, औरत रहती थी तो क्या होता था, 5 जन जान भी जा सकती थी। अब की मांग है सफाई कर्मचारी को सब सुविधा जो है महानगर पालिका की तरफ से वो सब मिलना चाहिए, और अनियाधिकृत जो भाजी वाला है वो लोग को सबको हटाना चाहिए। वो लोग इतना कचरा करते हैं कि सफाई कामगार उठा नहीं सकता है, इतना कचरा कर देते। हमारे बंदे काम कर रहे थे यशवंत हाइट, उसके नीचे मार्केट है, अनाधिकृत भाजी मार्केट है तिकड़े खाली। एक माझा मुलगा कचरा घ्यायला सेंटर पार्कला, तो कचरा घ्यायला गेला, एक भाजीवाल्याने तिला सीवी गाडी दिली आणि काही जातीवाद पर बोलला, आणि तो बोलला तर बोलला, नंतर तिला पकडून मारलं पण आमच्या कचरावाल्याला, तिला मारलं पण, आणि त्याच्यानंतर आम्ही पोलीस चौकीमध्ये आले। पोलीस चौकीमध्ये आलं, अजूनपर्यंत पोलीस चौकीने काय केलं काय माहीत नाही, ते लोकांनी कंप्लेंट घेतली आहे, ते पण आम्ही सगळं बोललं तेव्हा कंप्लेंट घेतली, आणि नंतर ती तिला मेडिकलला पाठवलं। आता नंतर बघू काय होतं ते, आम्ही सगळ्यांनी काम बंद केलं आणि अजूनपर्यंत तिकडे सेट पण नाही आला आहे, सुपरवायझर पण आऊन पडून गेला, एक सुपरवायझर आहे तर दुसरा, पण सगळ्यांना आम्ही काम बंद केलं आहे, ते लोकांना व्हायला पाहिजे ना इकडे। हा ये घटना कुछ 10-10:15 बजे तक हो गई। पुलिस वाले बोल रहे कि सुलह करो, पर हम लोग ने सुलह करने के लिए मना किया। हम लोग सुलह नहीं कर रहे क्योंकि ये एक बार हुआ है, ये अगली बार भी होएगा। ये साले तो भैया लोग आके मारेंगे झाड़ू वाले को, तो फिर हमारी इज्जत क्या रहेगी? एक तो पहले से हम लोग गंदा काम कर रहे, तुम लोग का कचरा उठा रहे, सब कर रहे, ऊपर से तुम लोग की गाली सुने, भंगी बोलते रहे, कुछ जात पे बोल गए, कुछ कचरा वाले होते कचरे में रहो, ये सब क्या भाषा है वो लोग की? त्या ठिकाणी कचरा उचलत होते, कचरा उचलण्यावरनं काही तिकडच्या परप्रांतीय भाजीवाल्यांनी यांना शिवीगाळ केली, त्याच्यावरनं मारामारी झाली आहे। आमच्या कर्मचाऱ्याला नखं वगैरे मारलेली आहेत, मुकामार लागलेला आहे, त्यांना आता मेडिकलसाठी पाठवलेलं आहे। आमची प्रशासनाला एकच विनंती आहे, आम्ही जर घाणीत काम करतो, आमचे सभासद जर घाणीत काम करत आहेत, तर त्यांना कोणालाही बोलण्याचा अधिकार नाही आहे। पुढील कारवाई आपले पोलीसवाले करत आहेत, अजून काय पोलिसांकडनं तसा निष्कर्ष आलेला नाही आहे, तरी पण पुढील कारवाई पोलीस करतात। आमची मागणी एकच आहे की सदर केलेल्या घटना जे भाजीवाले आहेत त्यांना ताबडतोब तुम्ही अरेस्ट करावी, नाहीतर आम्ही एकही कामगार इकडचा काम चालू करणार नाही, कचरा तसा तसा साठला जाईल आणि याच्या पुढे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल। जी हाँ, वहाँ पे मारामारी हो गया था, लड़के लोग को मारपीट कर रहे हैं भाजी वाले, हमें यहाँ पे आके पुलिस चौकी में केस किया है उनके तरफ से, और लड़के को मारा इतना है कि उसको अस्पताल लेके गए हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? ने बोले हैं कि क्या क्या हुआ था, उन्होंने पूरा इंक्वायरी किया हमारे से, हम लोग ने बोला कि हम लोग काम करते हैं तो ये लोग आके हम लोग को गाली गलौज करते हैं, और बोलते हैं कि हफ्ता देते आप लोग को, आप कचरा उठाओगे यहाँ पे, आपका हक है कचरा उठाने का, ऐसे सब उन लोग की ये रहती है, बोलते रहते हैं हम लोग को, ज़बरदस्ती हमारे से मतलब काम करवाते हैं, बोलते रहते हैं तुम लोग का काम है करना पड़ेगा, हम लोग हफ्ता देते हैं यहाँ पे। हमारी मांग यही है कि हमको इंसाफ चाहिए, जो भी हमारे लड़के को उन्होंने हाथ उठाया है, हाथ क्यों उठाते हैं? हम मार खाने के लिए तो काम पे नहीं आते।